अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केरला स्टाइल लच्छा पराठा। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने आधा किलो मैदे का आटा ली है। आटे में मैं डालूंगी एक अंडा। अंडा डालने से पराठा हमारा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। और इसमें मैं डालूंगी पाव चम्मच शक्कर, एक चुटकी नमक, थोड़ा सा दूध। आटे को अब हम गूंद लेंगे। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर गूंदूंगी। आटा गूंदकर हो चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और इसे थोड़ा सा मसल कर 15 मिनट के लिए रख दूंगी। आटे को 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसके गोले बनाकर ले ली हूँ। अब हम इसको बेल लेंगे। हमें रोटी के जैसा ही गोल बेलना है। देखिए रोटी बेलकर हो चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच तेल और थोड़ा सा मैदे का आटा। तेल और आटे को मैं चारों तरफ से फैला लूंगी। अभी मैं चाकू की मदद से इसको बारीक बारीक कट लगाऊंगी। जितना आप कट लगाएंगे उतने आपके पदर खुलेंगे पराठे के। देखिए कट लगा कर हो चुके हैं। अभी मैं इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद में मैं इसको गोल रोल करूंगी और फिर बचा हुआ आटे को मैं नीचे से दबा दूंगी। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े बनकर हो चुके हैं, अब हम इसे बेल लेंगे। इसे हमें जाड़ा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है ज़्यादा। पराठे हमारे जाड़े ही होते हैं। पराठा बेलकर हो चुका है, अब हम इसे सेक लेंगे। गैस पे मैंने फ्राई पैन को रख दी हूँ गर्म होने के लिए। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, अभी हम पराठा सेक लेंगे। इसे हमें एक मिनट के लिए नीचे पकाना है। एक मिनट के बाद में अब हम इसको पलट लेंगे। अब इसके ऊपर मैं तेल डालूंगी। तेल की कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, तेल हमें ज़्यादा ही डालना है। इसको अभी मैं पलट लूंगी। और इसे ऐसे घुमाते ही रहेंगे ताकि चारों तरफ से हमारा पराठा लाल हो जाए। अभी इसको मैं फिर से पलट लूंगी। इसे हमें अच्छे से दबा दबा कर सेकना है ताकि पराठा चारों तरफ से लाल हो जाए। पराठे को अब हम फिर से पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से पराठा पक चुका है हमारा। पराठा अच्छे से सेक चुका है, अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। अभी हम हाथों की मदद से पराठे को ऐसे दबाएंगे ताकि हमारा पराठा खुला खुला हो जाए। ये देखिए इसी तरह हम सारे पराठे को पकाएंगे।
माशाल्लाह केरला स्टाइल लच्छेदार परोठा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना लच्छेदार पराठा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।